बेले बेले आम जब पनीपरिया चाष करती किंबा एमती भाव में फूल लगाती तो फूल लगे समय गोटे गोटे कुंड में पांच छमास भी आम गच किटा रही जाए जमी गोलाप फूल हो कि अंगूर गच ये सब तो आम परमानेंट प्लांट ये सब परमानेंट प्लांट सेमती परमानेंट माटी भी प्रस्तुत करवा दरकार जमी आम गच बहुत हेल्दी आस्थ रही मोर मंदार गच मोर रखे मोर तीन रु चार वर्ष हम तो ये मटी टोटाली चेंज करनी केवल किंतु मु माटी जेते बेले लगेबा आरंभ कली गछ रिपोर्टिंग आगरु ही मु माटी केवल बनाई थी जोटा कि गछ पाई आउ पछरे चिंता करबा को पड़ूनी कि माटी को भी मत एते बाहर करके नुआ माटी पकेबा को पड़ूनी जोटा कि नुआ माटी आड करबा को पड़ूनी तो सही माटी रे चालछि आ ता सहित केवल फर्टिलाइजर भाव में किछि घरै भाव रे दउछि जोटा कि आपण माने मो चैनल भी आगरु देखि थिबे जोटा कि पूरा पूरी प्योर ऑर्गेनिक आ बायो फर्टिलाइजर जोटा कि पूरा पूरी बायो फर्टिलाइजर जोटा कि आम गचर कैल्शियम विटामिन आयरन फास्फोरस और मैग्नीशियम ता सहित जिंक परिमाण को अधिक आनी थाए जोटा कि आम प्रत्येक गचपाई बहुत ही जरूरी होता है किंतु आपण मानक भी मुगर जनई कि मो गचर जत्न निए मुवल लगे पूर्व लगे सरपर गचर सेमती आ कि जत्न एक्सट्रा मत नाक पड़ न था तो ये मोर गार्डेन बहुत सारा पनीपरिया सहित फूल फल भी बहुत सारा अच्छी जमी अंगूर भी फरवा आरंभ करने सहित बहुत सारा मंदार फूल आहुरी बहुत भेर फूल गच सहित पनीपरिया गच लगे आरंभ कर किंतु ये सब फूल फल पनीपरिया पाइबापी मुझे एक्स्ट्रा भाव में मटीर क्वांटीटी को मुझे जमी मटी कि एक्स्ट्रा भाव में खाद मिसाऊँ तो ये सब आगर आपर मोर कौन भिडियो मुझे सेयार करनी कहीं ये बहुत ही सिक्रेट रखी जमी मोर मटी को मुझे कौन प्योर कै जमी पूरा पूरी भल भाव बनाए और सहित मटी को ना मुझे बहुत परिश्रम करके तार मटी जो गुड़ी बाली थाए खपरा थाए ये सब को मुझे दूर करें बाली सरु सरु बाली नुह जोटा कि आम रगड़ा थाए बड़ बड़ बाली तो से सब को मुझे हटे थाए क्या ये सब रहा मैंने जदि खपरा कौन मटी आप रही जाऊँगी जहनी मंजी जदि फुटुंच जदि चेरटा जदि जहनी मंजी जदि आम लगे खपरा को टच है तेल जहनी गुड़ाक जहाँ भी फल बहुत ही पिता हम से भाव में जदि आपटी जो खपरा रोचे जदि अधिकांश समय आम का पोती था मंजी तो से सब पोतवा समय जदि मूल को टच कर खपरा गोटे भी जदि मूल को लगिक रही ताले खपरा पाई काकुड़ी बहुत पिता है जहाँ को कि पूरा खाई हुए नहीं तो एमती अधिकांश समय आम पनीपरिया खराब हो जाए ता सहित तो अधिकांश पनीपरिया भी नष्ट हुए जमी फलती समय गचा धीरे धीरे डैमेज हाबाक लगे कहीं मूल जदि खपरा रही जाए तार रूट डेवलप हबारे टी कष्ट जोटा कि रूट डेवलप हबारे टी समय लगे ता सहित रूट गुड़ाक धीरे धीरे से फंगस लगे पचवा आरंभ करें तो एमती हेले आम गचर ग्रोथ कमीजी ता सहित गच फलती समय ही डैमेज हो नष्ट तो ये सबू जदि आप गुस्थ रखापी चाहते प्रथम खपरा गुड़ाक दूर करूँ आप गार्डेन कहीं जदि माटी प्योर रहा माटी जब भल रहा है आपण गार्डेन कौन सी परिश्रम एत एक्सट्रा करने को पड़े कि बाहर खाद बाहर सार बाहर विष किसी प्रयोग करने को पड़े यही छन छनिया शाग आपण भी पाई ये गेंडु मंडा ता सहित कटिकी पिटुनिया सब प्रकार फूल फुटे पारे आपण छोट छोट मिनी गार्डेन जदि यही भाव में फूल फल पनीपरिया पाइबा चाहते तेल आपटी को केमी कौन बनइबे से विषय आज आपड़े जन नमस्कार नमिता किचन गार्डेन आउ गोटे सुंदर वीडियो को मुझे आपण मानक स्वागत करुच्चे तो आज मोर यही सुंदर वीडियो रे आपण देखिपारे केमती कौन मोर ऑर्गेनिक भाव में मुझे चाष करुचे तो यही गोटे बहुत ही निरा प्रोसेस सहित बहुत ही सिक्रेट उपाय तो आपण मैं भल लगे गोटे लाइक तो सेयर करदे कि चैनल जब नुआ थे सब्सक्राइब करेंगे तो यहीटा हूँ मोर बहुत ही पुराणा मटी कहीं मूल मटी जोटा कि आम प्रथम मटी जोटा कि आम आनी गोटे गढ़िया पखापाखी गढ़िया आड़ी जो कहते तो से गढ़िया आड़ी रू ही आम मटी को उठे आनी गच्छ जितेबाला आम प्रथम प्रथम लगे आरंभ करूँ से आम एत चिंता करूँ कि आगे कोई मटी एमती किसी नष्ट आम गच ये खराब हम बोली आम एत आगे चिंता करूँ तो से ही भाव में नुआ नुआ जितेबाला गच लगे आरंभ करूँ डायरेक्ट मटी आणिक भाव में ही लगे आरंभ करूँ कि धीरे धीरे जितेबाला
ଗଛର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଦେଖିଲୁ, ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ କମିବାରେ ଦେଖିଲୁ, ତାପରଠୁ ଆମ ଗଛ ପାଇଁ ମାଟିକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ବହୁତ ହି ଖପରା ଅଛି, ତ ଖପରାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଟିକୁ ଏଇଭଳି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚୁନା ଚୁନା କରିକି ତାକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଲୁ 3-4 ଦିନ ଖରାରେ। ତାପରେ ଗଛକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ ମାଟିକୁ ଚଲାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ଚଲାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ ମିଶା ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ, ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କେତେ ନେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏବେ ଜଣେଇବି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଜାଣିବା। ଇଏ ସବୁ ମୋର ଏଇ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଗଛ, ତ ଏଇ ଗଛର ମାଟି ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଘରୋଇ ଭାବରେ ଅର୍ଗାନିକ ଭାବରେ। ତ ଏ ମାଟିରେ ଲଗାଇଲା ପରେ ଗଛର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରିଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, ଫୁଲ କଷି ବି ଲଗେଇ ହେଲାଣି। ତା ସହିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସତେଜ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ତ ଏବେ ମାଟି ଆମେ ବନାଇବା, ମାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖୁସାଇ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ମାଟିକୁ ଚୁନା କରିବା। ଚୁନା କରିଲେ ଯାଇକି ଆମ ମାଟିଟା ପୁରାପୁରି ପିଓର ହେବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗଛ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ମୋର ଏଠି ମାଟି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚଲାଇ ସାରିଛି, ଆଉ କିଛିଟା ଗୁଡ଼ି ମାଟି ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ପୁରାପୁରି ଚଲାଇକି ପ୍ଲେନ୍ ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଗଛର ମୂଳଟା ନା ନାଜୁକ ହେବ, କିଛି ଏଭଳି ରଗଡ଼ା ମାଟି ବି ମିଶାଇବେ। ତ ରଗଡ଼ା ମାଟି ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ମିଶାଇଲି କୋକୋପେଟ୍ର ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିକ୍ସଚର। କୋକୋପେଟ୍ର ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିକ୍ସଚର ନେଇଛି ମୁଁ 10%, ଆଉ କୋକୋପେଟ୍ର ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁଟାକି ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆସିବ, କୋକୋପେଟ୍ର ପାଉଡ଼ରଟା ଯେଉଁଟା ଆସିବ ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମର ଖୋଲାରେ ଆସିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଟିକିଏ ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ, ଯେମିତି ବିସ୍କିଟ୍ଟା ଆସିବ ଟିକିଏ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଆସିବ, ଯେମିତି ଆମର ଟିକିଏ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ କଥା ଗୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଟିକିଏ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆସିବ। ତ ନଡ଼ିଆ କଥା ଗୁଣ୍ଡରେ ବି 2 କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ତାପରେ ଏସବୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କଥା ଗୁଣ୍ଡ ତା ସହିତ ନିମଖଲି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି 3-4 ମୁଠା, କାହିଁକିନା ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଏସବୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏସବୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ଗଛକୁ ନିମଖଲି ପାଉଡ଼ର ନଦେଲେ ବି ଚଳେ। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର ଦେଲା ପରେ ଆମ ଗଛକୁ କୌଣସି ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବାର ଆଉ ଚାନ୍ସ ରହିବନି, ଯେମିତି ସଏଲ୍ ଫଙ୍ଗସ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫଙ୍ଗସ୍, କୌଣସି ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଉ ଲାଗିବନି ଆଗକୁ। ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାବରେ ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରୋଇ ତିଆରି ନଡ଼ିଆ କଥା ଗୁଣ୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ କଥା ଗୁଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଣିର ଲେବଲ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବ, ଆଉ ଗଛର ମୂଳକୁ ପୁରାପୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବ, ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ଏବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗଛ ପରି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହେବ, ଆଉ ଗଛରେ ପୁରା ଫୁଲ ଆଉ ପନିପରିବାରେ ଭରପୁର ରହିବ। ପନିପରିବା କଷି ଝଡ଼ିବାର ଟେନସନ୍ ରହିବନି, କି ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଢ଼ ଝଡ଼ିବାର ବି ଆଉ ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ଏଭଳି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମାଟିକୁ ଗୋଳେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ, ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।